द माउंटेन इन यू। चैप्टर 1 माउंटेन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में जो सबसे बड़ी मुश्किलें हमें फेस करनी पड़ती हैं वो अक्सर हमारी अपनी खुद की बनाई हुई होती हैं। ब्रियाना वेस्ट इस चैप्टर में यही बात समझाती हैं। वो कहती हैं कि हमारी जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस या माउंटेन्स असल में हमारी खुद के फियर्स, डाउट्स और अनरिसॉल्व्ड इमोशंस होते हैं। हम खुद को इन चीज़ों से रोकते हैं और यही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। फियर ऑफ फेलियर। इमेजिन एक यंग एंटरप्रेन्योर जिसने बिजनेस शुरू ही किया है, लेकिन हर बड़ा डिसीजन लेने से पहले खुद को डाउट करने लगता है। उसे लगता है, अगर मैंने गलती की तो क्या होगा, अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या। यह फियर ऑफ फेलियर उसका सबसे बड़ा माउंटेन है जिसे उसने अपने ही मन में खड़ा कर लिया है। इस डर की वजह से वो रिस्क नहीं लेता और उसके बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ ब्रियाना वेस्ट यही कह रही है कि हमें इन माउंटेन्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इन्हें समझना और फेस करना चाहिए। माउंटेन का मतलब क्या है? माउंटेन का मतलब सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं है, यह इमोशनल और मेंटल ऑब्स्टिकल है जो हमें हमारी ग्रोथ से रोकता है। जैसे एक इंसान को अपने पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकलना मुश्किल लगता है तो वो हर बार उसी पेन में फंसा रह जाता है, ये उसके लिए एक माउंटेन बन जाता है। स्टीव जॉब्स माउंटेन। आपने स्टीव जॉब्स की कहानी सुनी होगी। उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था, एक कंपनी जिसे उन्होंने खुद बनाया था। उस वक्त यह उनके लिए सबसे बड़ा माउंटेन था। उन्होंने खुद को डाउट किया, परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने इस माउंटेन को फेस किया और पिक्सार जैसी कंपनी शुरू की जो आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियोज में एक है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर माउंटेन को हमें एज अ चैलेंज देखना चाहिए, ना कि ऑब्स्टिकल के तौर पर। व्हाई डू वी क्रिएट दिस माउंटेन्स। अब सवाल यह उठता है कि हम ये माउंटेन्स क्यों क्रिएट करते हैं। ब्रियाना बताती हैं कि हमारी अनरिसॉल्व्ड इमोशंस और पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है। कई बार हम अपने चाइल्डहुड के लिए किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस को अब भी कैरी कर रहे होते हैं। ये ही एक्सपीरियंसेस बाद में हमारे लिए एक माउंटेन बन जाते हैं। जैसे किसी को बचपन में फेलियर का डर लगता हो तो वह बड़े होकर हर डिसीजन से पहले सेल्फ डाउट में फंसा रहेगा। 70% ऑफ पीपल फियर फेलियर। रिसर्च यह दिखाती है कि 70% लोग अपने कैरियर में आगे बढ़ने से पहले फेलियर का डर महसूस करते हैं और यही डर उनकी सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा माउंटेन बन जाता है। डोंट अवॉइड फेस इट। ब्रियाना वेस्ट कहती हैं, हमें इन माउंटेन से भागने के बजाय उन्हें समझना और कंफर्ट करना चाहिए। जब हम अपने डर, डाउट और पेनफुल एक्सपीरियंसेस का सामना करते हैं तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। लाइफ में ये माउंटेन्स कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये हमें अपने अंदर छुपे हुए स्ट्रेंथ और रेसिलियंस को डिस्कवर करने का मौका देते हैं। तो चैप्टर 1 में ये हमने देखा कि हर ऑब्स्टिकल को हम एक माउंटेन की तरह देखें जिसे हम कॉन्कर कर सकते हैं। जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं वो हमें ग्रो करने का मौका देती हैं। हमें बस यह समझने की ज़रूरत है कि इन माउंटेन्स का सामना करके हम खुद को एक बेहतर वर्जन बना सकते हैं। चैप्टर 2 का टाइटल ही हमें बहुत कुछ समझा देता है। द माउंटेन इज यू, यानी वो माउंटेन, वो रुकावट जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कोई और नहीं, हम खुद हैं। ब्रियाना वेस्ट इस चैप्टर में यही बताती हैं कि हमारी बिगेस्ट चैलेंजेस अक्सर हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं। सेल्फ सैबोटेज की जड़ें हमारे अंदर ही होती हैं और इसे समझना और रिकॉग्नाइज करना हमारी ग्रोथ की शुरुआत होती है। सेल्फ सैबोटेज इज एवरी डे इन लाइफ। सोचिए, आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, फिटनेस जर्नी हो या कोई पर्सनल गोल। शुरुआत में आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा स्ट्रगल आता है आप खुद में डाउट्स करने लगते हैं, मुझसे ये नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जैसे थॉट्स आपके मन में आते हैं। यही सेल्फ सैबोटेज है। कई बार हम कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली अपने ही सक्सेस के रास्ते में दीवारें खड़ी कर लेते हैं।
यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है। हमारे खुद के लिमिटिंग बिलीफ ही हमारे सबसे बड़ी बाधा होती है। व्हाई डू वी सेल्फ सबोटेज? अब सवाल यह उठता है कि हम खुद को कैसे और क्यों सबोटेज करते हैं। बेनिना वेस्ट कहती हैं कि इसका कारण हमारी डीप सीटेड फियर्स और अनरिसॉल्व्ड इमोशंस हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर बचपन में हमें रिजेक्शन का डर लगा हो तो हम बड़े होकर भी किसी भी सिचुएशन में खुद को रिजेक्ट होने के से बचाने के लिए खुद ही रास्ते में रुकावटें खड़ी करने लगते हैं। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। हम रिस्क से बचना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल हो या प्रैक्टिकल। इस वजह से हम खुद अपनी सक्सेस को सैबोटेज कर देते हैं और यह कभी भी हमें पता भी नहीं चलता। इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक क्लासिक एग्जांपल है सेल्फ सैबोटेज का। इस सिंड्रोम में लोग अपने अचीवमेंट्स के लायक खुद को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वो फ्रॉड है और उन्हें कोई भी मोमेंट में एक्सपोज कर सकता है। स्टडीज शो कि 70% हाई अचीवर्स कभी ना कभी इम्पोजर सिंड्रोम फील करते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जो एक कभी बड़ी कंपनी में हाई पोजीशन पर था, लेकिन हर दिन उसे ये डर सताता है कि शायद वो इस काम के काबिल नहीं है। वो खुद अपने ही डाउट्स में फंसा रहता है और इसी वजह से वो अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। ओपरा विनफ्रे जर्नी। ओपरा विनफ्रे जो आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल वुमेन में से एक हैं, उन्होंने भी अपने कैरियर की शुरुआत में सेल्फ सैबोटेज का सामना किया। जब वो छोटी थीं, उन्होंने कई हार्डशिप फेस की, जैसे पावर्टी और अब्यूज। इन एक्सपीरियंसेस की वजह से उन्हें अर्ली लाइफ में कई बार डाउट्स थे, लेकिन उन्होंने अपने खुद के माउंटेन्स को समझा और फेस किया। ऑफरा ने अपनी लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज किया और अपने खुद के रास्ते की रुकावटों को रोक दिया। आज वो इंस्पिरेशन है कि कोई अपनी खुद की रुकावटों से बाहर निकल सकता है। वाई रिकॉग्नाइजिंग द माउंटेन इज इम्पॉर्टेंट। ब्रियाना वेस्ट बताती हैं कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि सेल्फ सैबोटेज कहाँ से आता है, तभी हम उसे फिक्स कर पाते हैं। अगर हमें अपनी फियर्स और डाउट्स का कभी पता नहीं चलेगा तो हम बार बार उसी पैटर्न में फंसे रहेंगे। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें अपनी लिमिटिंग बिलीफ, फियर्स और डाउट्स को अच्छे से समझना होगा, ताकि हम उन्हें पीछे छोड़ सकें और अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकें। हाउ सेल्फ सबोटेज अफेक्ट कैरियर। रिसर्च दिखाती है कि सेल्फ सबोटेज कैरियर में एक बड़ा हर्डल बन सकता है। 40% ऑफ लोग सेल्फ सबोटेज बिहेवियर की वजह से प्रमोशंस या कैरियर ग्रोथ मिक्स कर देते हैं, क्योंकि वो खुद ही अपनी एबिलिटीज पर शक करते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करते। अगर आप हर बार खुद को यह सोचने और रोकने में लगे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है। बिकम अवेयर ऑफ योर पैटर्न्स। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन यह है कि हमें अपने सेल्फ सबोटेजिंग पैटर्न्स को पहचानना और समझना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं मानेंगे कि हम ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप खुद को डाउट्स और फियर्स में फंसा हुआ महसूस करें, तो एक पॉज लें और पूछें, क्या मैं खुद अपने रास्ते का दीवार बना रहा हूँ? चैप्टर 2 हमें ये सिखाता है कि हमें खुद को पहचानना और एक्सेप्ट करना होगा कि हम ही अपनी जिंदगी के माउंटेन्स को क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें क्रिएट कर सकते हैं तो हम इन्हें ओवरकम भी कर सकते हैं। सेल्फ सैबोटेज को रिकॉग्नाइज करना पहला स्टेप है और उससे आगे बढ़ना इसका दूसरा स्टेप है। जब हम अपने बिलीफ और इमोशंस का सामना करते हैं, हम खुद की दीवारें तोड़ देते हैं। चैप्टर 3 व्हाई वी सेल्फ सैबोटेज। अब तक हमने समझा कि हमारी बिगेस्ट रुकावटें हम खुद ही होते हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम खुद को कैसे सबोटेज करते हैं। ये चैप्टर इसी सवाल का जवाब देता है। ब्रियाना वेस्ट बताती हैं कि सेल्फ सबोटेज हमारी साइकोलॉजी का रिजल्ट होता है। यह कोई सिंपल हैबिट नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत डीप होती हैं। व्हाई वी सेल्फ सबोटेज। हम खुद को इसलिए सबोटेज करते हैं क्योंकि हमारे मन में अनरिसॉल्व्ड इमोशंस, फियर और पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें होल्ड बैक करते हैं।
अक्सर ये फीलिंग्स इतनी डीपली एम्बेडेड होती हैं कि हमें ये समझना भी नहीं आता कि हम खुद को अपने रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। जैसे एक इंसान जो बचपन में रिजेक्शन फेस कर चुका हो, वो बड़ा होकर भी रिजेक्शन से बचने के लिए कोई नया कदम नहीं उठाता और डरता है। उसे लगता है कि फिर से वैसी ही सिचुएशन ना हो जाए, और इसी डर की वजह से वो किसी भी नए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करता। फियर ऑफ सक्सेस एक और इंटरेस्टिंग वजह है सेल्फ सबोटेज की, सक्सेस का डर। हाँ, सक्सेस का भी डर होता है। कई बार हम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इस बात से डरते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएंगी और वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। यह डर लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता। उदाहरण के लिए, एक एम्प्लॉई जो प्रमोशन पाना तो चाहता है, पर वह डरता है कि इसके बाद उसकी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी होंगी, इसलिए वो खुद अपने ग्रोथ को सबोटेज कर देता है। साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स। रिसर्च बताती है कि सेल्फ सबोटेज का सबसे बड़ा कारण फियर ऑफ चेंज होता है। लगभग 60% लोग न्यू चेंजेस या अननोन सिचुएशंस से इतना डरते हैं कि वो खुद को इंटेंशनली उन सिचुएशंस से नहीं रोक पाते। हमारी माइंडसेट ऐसी होती है, हम अननोन से डरते हैं। अननोन यानी ऐसी सिचुएशंस जहां हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। यही डर हमारे हर एक नए कदम को रोकता है। ब्रियाना वेस्ट कहती हैं, जब तक हम इस डर को समझेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेल्फ सबोटेज इन रिलेशनशिप्स। सेल्फ सबोटेज सिर्फ कैरियर या पर्सनल गोल्स में नहीं होता, रिलेशनशिप्स में भी होता है। कई लोग अपने पास्ट में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स फेस कर चुके होते हैं और वो अपने नए रिलेशनशिप्स को भी उसी लेंस से देखते हैं। वो खुद ही अपने नए रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू क्रिएट कर लेते हैं, फाइट को इनवाइट करते हैं और इंटेंशनली अपने पार्टनर से डिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि आज फिर उन्हें हर्ट ना हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी दोस्त ने अपने सामने कहा होगा, मुझे पता था कि रिलेशनशिप नहीं चलेगा, जबकि उन्होंने खुद अनइंटेंशनली ऐसे बिहेवियर किए हैं कि रिलेशनशिप खराब हो जाए। फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर एक और बड़ा कारण है सेल्फ सबोटेज का। हमें ये डर रहता है कि अगर हम कुछ नया ट्राई करेंगे और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, हमें ऐसा फील होगा। इसी फियर की वजह से हम खुद को चैलेंज करने से डरते हैं। बिल गेट्स का एग्जांपल लें, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने से पहले कई बार फेलियर फेस किए। अगर उन्होंने फेलियर से डर कर खुद को रोक लिया होता तो शायद आज दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एम्पायर नहीं बन पाता। जेके रॉलिंग्स स्ट्रगल। जेके रॉलिंग जो हैरी पॉटर सीरीज के ऑथर हैं, उन्होंने भी अपने राइटर कैरियर की शुरुआत में बहुत रिजेक्शन फेस किया। उनके पास पैसे नहीं थे और पब्लिकेशर्स बार बार उनकी बुक्स को रिजेक्ट कर रहे थे। कई लोग होते थे जो खुद को सबोटेज करके गिव अप कर देते, लेकिन उन्होंने अपनी फेलियर को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ती रहीं। अगर उन्होंने अपने फियर्स और डाउट को अलाउ किया होता तो शायद हैरी पॉटर कभी दुनिया के सामने आ ही ना पाता। इमोशनल ट्रॉमा। बेरियाना वेस्ट बताती हैं कि सेल्फ सेबोटेज की जड़ें अक्सर इमोशनल ट्रॉमा में होती हैं। ये ट्रॉमा हमारा पास एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसी कोई घटना जिसमें हमें डीपली अफेक्ट किया हो। यह ट्रॉमा हमें हर बार वापसी उसी पेन में ले जाता है और हम इस पेन से बचने के लिए खुद को सेबोटेज करते हैं। इमेजिन किसी को बचपन में बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग मिली हो, वो व्यक्ति बड़ा होकर हर बार इसी अथॉरिटी फिगर के सामने नर्वस हो जाएगा और खुद को प्रूव करने से पहले ही गिव अप कर देगा, क्योंकि उसे फिर से रिजेक्शन का डर होता है। ऑर्गेनाइज योर ट्रिगर्स। सेल्फ सबोटेज को ओवरकम करने का पहला स्टेप है अपने ट्रिगर्स को पहचानना, ये समझना कि कोई सी सिचुएशन का कौन सा फीलिंग और सबोटेज करने के लिए ट्रिगर करती है। क्या वो पास्ट ट्रॉमा है, क्या वो फियर ऑफ फेलियर है, या फिर फियर ऑफ सक्सेस। चैप्टर 3 हमें ये सिखाता है कि सेल्फ सबोटेज की जड़ें हमारी डीप इमोशनल और साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स में होती हैं। जब तक हम अपने फियर्स और अनरिसॉल्व्ड इमोशंस को समझकर फेस नहीं करेंगे, तब तक हम बार बार सेल्फ सबोटेज करते रहेंगे।
हमें अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और उन पैटर्न्स को तोड़ना होगा जो हमें रोक रहे हैं। चैप्टर 4, मूविंग थ्रू अ स्टक पॉइंट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक जगह पर रुक गई है, जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार किसी इनविजिबल वॉल से टकरा जाते हैं। ब्रायना वेस्ट इस चैप्टर में बताती हैं कि जब हम स्टक महसूस करते हैं तो इसका कारण हमारे फियर्स और अनरिसॉल्व्ड इमोशंस होते हैं। हमें उन्हें समझकर उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जब आप किसी स्टक पॉइंट पर होते हैं तो कैसे मूव फॉरवर्ड किया जाए। व्हाट इज़ अ स्टक पॉइंट? स्टक पॉइंट वो होता है जब आप महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, चाहे वो कैरियर हो, रिलेशनशिप हो या कोई पर्सनल गोल। आपको लगता है कि आप कहीं फंसे हुए हैं। ये उस वक्त होता है जब आप किसी बदलाव से डरते हैं या हमें यकीन नहीं होता कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इमेजिन एक इंसान जो आपकी जॉब में प्रमोशन की उम्मीद कर रहा है लेकिन वो कोई नया कदम नहीं उठाता, ना ही अपनी स्किल्स इम्प्रूव करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो प्रमोशन का हकदार नहीं है। यही उसका स्टक पॉइंट है। उसे खुद पर डाउट है और यही उसे आगे बढ़ने से रोकता है। फियर ऑफ चेंज। हम स्टक इसलिए भी महसूस करते हैं क्योंकि हमें चेंज से डर लगता है। हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और जब कोई नया अपॉर्चुनिटी आती है तो हम अपने रिस्क से डट कर पीछे हट जाते हैं। एक बार ऑफ्रा विनफ्रे ने अपनी खुद की कहानी शेयर की थी कि जब उन्हें टीवी से हटाकर एक रेडियो शो में लाने की बात हुई तो उन्हें बहुत डर लगा। उन्हें लगा कि शायद वो उस चेंज को हैंडल नहीं कर पाएंगी, लेकिन जब उन्होंने उस स्टक पॉइंट से बाहर निकलने की फैसला किया तो वो अपने कैरियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंची। ओफ्रा की ये जर्नी हमें सिखाती है स्टक पॉइंट से बाहर निकलने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ स्टक पॉइंट। ब्रायना वेस्ट बताती हैं कि स्टक पॉइंट को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस वजह से फंसे हुए हैं। क्या वो फियर ऑफ फेलियर है? क्या आप किसी पेनफुल एक्सपीरियंस को अवॉइड कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ कोई बड़ा कदम लेने से डर रहे हैं? एक पर्सनल एग्जांपल लीजिए। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन एक बार प्रोक्रेस्टिनेशन कर देते हैं। आप पढ़ाई शुरू करने से पहले ही खुद को स्टक महसूस करते हैं क्योंकि आपको अंदर ही अंदर फेलियर का डर सताता है। ये एक स्टक पॉइंट है और जब तक आप उस डर को फेस नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मूविंग थ्रू अ कैरियर स्टक पॉइंट। इमेजिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कई सालों से उसी पोजीशन पर काम कर रहा है। वो जानता है उसे अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी चाहिए लेकिन वो ऐसा करने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वो नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज को नहीं सीख पाएगा। यही उसका स्टक पॉइंट है। उसका डर उसे एक्शन लेने से रोक रहा है और यही वजह है कि वो कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर वो अपने फियर को फेस करने के नए स्किल्स सीखने का फैसला करता है तो वो स्टक पॉइंट से बाहर आ सकता है और अपनी ग्रोथ का रास्ता खोल सकता है। 80% पीपल फील स्टक। रिसर्च दिखाती है कि लगभग 80% लोग अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी पॉइंट पर स्टक महसूस करते हैं। कई बार हम सालों तक एक ही जॉब, रिलेशनशिप या रूटीन में फंसे रहते हैं क्योंकि हमें चेंज से डर लगता है। यह एक कॉमन साइकोलॉजी एक्सपीरियंस है लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ता है। हाउ टू मूव थ्रू अ स्टक पॉइंट। ब्रायना वेस्ट इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हैं कि कैसे आप स्टक पॉइंट से बाहर निकल सकते हैं। आइडेंटिफाई योर फियर्स। सबसे पहले ये समझें कि कौन सा डर आपको रोक रहा है। क्या वो फेलियर का डर है, रिजेक्शन का डर है या फिर अनसर्टेनिटी का? टेक स्मॉल स्टेप्स। कई बार हमें बड़े डिसीजंस लेने से डरते हैं, इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे कदम उठाएं। एक बड़ा गोल ना सोचकर उसे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांट लो। एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। चेंज अनकम्फर्टेबल होता है लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपकी ग्रोथ का फैसला या रास्ता खोलता है। जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तब आप स्टक पॉइंट से बाहर निकल पाते हैं। शिफ्ट योर माइंडसेट।
अपने बिलीफ और माइंडसेट को बदलें। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपका माइंड आपको स्टक रखेगा। आपने थॉट्स और पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाए। माइकल जॉर्डन्स जर्नी। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बास्केटबॉल प्लेयर में से एक हैं। जब भी उनके कैरियर में स्टक पॉइंट पर पहुंचे, जब उन्हें बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल खेलने का डिसीजन लेना पड़ा, तब वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल थे। उन्हें लगा कि वो बेसबॉल में फेल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने फियर को फेस किया और बास्केटबॉल कोर्ट में वापस आकर हिस्ट्री रच दी। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि जब हम स्टक होते हैं, तब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिसकम्फर्ट को एम्ब्रेस करना और आगे बढ़ने का करेज रखना। स्टक पॉइंट इज नॉट परमानेंट। ब्रियाना वेस्ट कहती हैं कि स्टक पॉइंट कोई परमानेंट स्टेज नहीं होती है। यह एक फ्रेज है जो तब आता है जब हम अपने फियर्स और डाउट से घिर जाते हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता हमारे ही अंदर होता है। जब हम अपने फियर्स को फेस करते हैं, डिसकम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते हैं, तब हम खुद को स्टक पॉइंट से बाहर निकाल सकते हैं। चैप्टर 4 हमें यह सिखाता है कि स्टक पॉइंट एक टेम्परेरी फेज है। हम अपने फियर्स और डाउट की वजह से फेस करते हैं। इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने डर को पहचानना, डिसकम्फर्ट को एम्ब्रेस करना और एक्शन लेना। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में किसी स्टक पॉइंट पर हों, तो याद रखें कि यह आपकी ग्रोथ के लिए एक सिग्नल है। एक्शन लेने का करेज रखिए और आप धीरे धीरे अपने स्टक पॉइंट से बाहर आकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 5, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारी इमोशंस को समझना और मैनेज करना, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ सबोटेज से बाहर निकलने का सबसे बड़ा टूल है। ब्रियाना वेस्ट इस चैप्टर में बताती हैं कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, तभी आप अपने एक्शंस को सही दिशा में ले जा सकते हैं। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें मैनेज करना और इफेक्टिवली दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना। अगर आपके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो आप अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी आर्गुमेंट में फंस जाते हैं और बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, तो आप पहले काम रहेंगे, सिचुएशन को समझेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं। यही होता है इमोशन कंट्रोल। इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप। ग्रेट लीडर्स में हमेशा हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। आपने देखा होगा कि चाहे कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्यों ना हो, वो कभी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। वो अपनी इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं और अपने टीम के साथ एम्पैथी में पेश आते हैं। बराक ओबामा का एग्जांपल लेते हैं। अपने प्रेसिडेंसी के दौरान उन्होंने कई बार बहुत टफ सिचुएशंस को फेस किया, लेकिन हर बार वो काम, कंपोज्ड और थॉटफुल रह रहे हैं। उन्होंने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से सिचुएशंस को कंट्रोल में रखा और इसी वजह से वो एक हाईली रेस्पेक्टेड लीडर बने। व्हाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट? इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपनी इमोशंस को सही से समझते हैं, तब ही आप अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजंस ले पाते हैं। अक्सर सेल्फ सबोटेज की जड़ इम्पल्सिव बिहेवियर में होती है। जब आप अपनी इमोशंस को समझ नहीं पाते, तब हम ऐसे एक्शंस लेते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इमेजिन एक इंसान जो अपने बिजनेस में लॉसेस फेस कर रहा है, अगर उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस लो होगी, तो वो पैनिक में आकर इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकता है, जैसे बिजनेस को बंद करना या एक बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन अगर वो काम रहकर अपनी इमोशंस को मैनेज करे और सिचुएशंस का सही से आकलन करे, तो वो बेहतर और मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सक्सेस। रिसर्च के अनुसार 90% टॉप परफॉर्मर्स हाई इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं। इसके अलावा लोगों की प्रोफेशनल सक्सेस का 58% हिस्सा उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे, तो आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं।
प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ब्रियाना वेस्ट इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हैं कि कैसे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहला स्टेप है खुद की इमोशंस को पहचानना। हर दिन अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना। क्या आप सबसे ज़्यादा गुस्सा रहते हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों पर एंग्जियस हो जाते हैं? अपनी इमोशनल पैटर्न को समझना ज़रूरी है ताकि आप उन्हें कंट्रोल कर सकें। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर आपको किसी सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है तो इम्पल्सिवली रिएक्ट करने के बजाय एक पॉज लें, गहरी सांस लें और सोचें कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब है दूसरों के इमोशंस को समझना और उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। जब आप दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं तो आप बेटर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। एफेक्टिव कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपनी फीलिंग्स और नीड्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखें या आपकी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने का एक एफेक्टिव तरीका है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन द वर्कप्लेस, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्कप्लेस में भी क्रिटिकल होती है। इमेजिन एक टीम लीडर जो अपनी टीम की इमोशंस को समझता है, वो अपनी टीम मेंबर्स के साथ एम्पैथी में पेश आता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है और उन्हें एनकरेज करता है। ऐसे लीडर्स की टीम ज़्यादा मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव होती है। दूसरी ओर अगर एक लीडर अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक छोटी प्रॉब्लम पर रिएक्ट करता है तो उसकी टीम डीमोटिवेटेड हो जाती है। यही फ़र्क होता है इमोशनल इंटेलिजेंस से। सेरेना विलियम्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, टेनिस लेजेंड सेरेना विलियम्स का एग्जांपल लें। कोर्ट पर कई बार हाई प्रेशर सिचुएशन को भी वो काम रखती हैं। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस ही उन्हें टफ सिचुएशंस में फोकस और कंपोजर बनाए रखने में मदद करती है। 2018 US ओपन फाइनल में जब चीज़ें उनके खिलाफ जा रही थी, उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया लेकिन खुद को सिचुएशन के तहत शांत किया और प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड किया। इससे हमें ये समझ में आता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ कंट्रोलिंग इमोशंस नहीं बल्कि अपनी इमोशंस को इफेक्टिवली हैंडल करना है। इमोशनल कंट्रोल इज पावर। बेनिना वेस्ट कहती हैं कि जब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तब आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशंस को इग्नोर करें बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझें और उन्हें सही तरीके से हैंडल करें। यही आपकी क्वालिटी और ज़िंदगी को इम्प्रूव करेगी। चैप्टर 5 हमें सिखाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ मास्टरी की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम खुद की ग्रोथ के लिए सही डिसीजंस ले सकते हैं। या सिर्फ सेल्फ सबोटेज से बाहर निकलने का तरीका नहीं है बल्कि पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस का रास्ता भी है। चैप्टर 6, डिज़ाइनिंग योर लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है आपकी लाइफ अपने आप डिज़ाइन नहीं होगी? बेरिना वेस्ट इस चैप्टर में यही बताती हैं कि हमें अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन करना होता है। यह एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हमें अपनी डिसीजंस, हैबिट्स और माइंडसेट को अलाइन करना होता है ताकि हम अपनी डिज़ायर्ड लाइफ जी सकें। इस चैप्टर सिखाता है कि कैसे आप स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस लेकर अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन टू डिज़ाइन योर लाइफ? डिज़ाइनिंग योर लाइफ का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाएं। कि आप यह सोचें कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, फिर कॉन्शियसली उन स्टेप्स को लें जो आपको उस डायरेक्शन में ले जाएंगे। बेनिना वेस्ट कहती हैं कि जब तक आप इंटेंशनल डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आपकी लाइफ रैंडमली अनफोल्ड नहीं रहेगी। इमेजिन एक आर्किटेक्ट जो आपके घर को बिना किसी ब्लूप्रिंट के बनाता है, वो कभी भी सही स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। उसी तरह अगर आप अपनी लाइफ को बिना किसी क्लियर प्लान के जीते हैं तो आप शायद ही अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को इंटेंशनल तरीके से डिज़ाइन करना होगा। एलॉन मस्क विज़न, एलॉन मस्क का एग्जांपल लें। उन्होंने अपनी लाइफ के लिए एक बहुत क्लियर विज़न बनाया था
स्पेस एक्सप्लोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस करना। उन्होंने अपनी लाइफ को डिज़ाइन किया और अपने एक्शंस को उस विज़न के साथ अलाइन किया। यही वजह है कि आज वो टेस्ला, स्पेस एक्स और कई दूसरी सक्सेसफुल कंपनीज के फाउंडर हैं। एलन मस्क की लाइफ एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जब आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन करते हैं तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डिज़ाइन योर लाइफ? लाइफ को डिज़ाइन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सरकमस्टेंसेस के साथ बहते रहेंगे। लाइफ ऑटोमेटिकली वो नहीं बनेगी जो आप चाहते हैं। अगर आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने एक्शंस और उस डायरेक्शन में कॉन्शियसली शेप करना पड़ेगा। इमेजिन आप एक शिप के कैप्टन हैं जो आपको बिना कंपास के समुंदर में छोड़ दिया जाए। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि किस डायरेक्शन में जाना है। उसी तरह अगर आपकी लाइफ के पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो आप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचेंगे। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। बेनिना वेस्ट इस चैप्टर में कहती हैं कि डिज़ाइनिंग योर लाइफ का सीक्रेट है स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन। आप ओवरनाइट सक्सेस की उम्मीद नहीं कर सकते। लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन करने का मतलब है हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना जो आपको आपकी डिज़ायर्ड लाइफ की ओर ले जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फिटनेस इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी, ना कि एक दिन में कुछ अचीव करने की कोशिश करनी होगी। यह चीज़ बाकी एरियाज में भी लागू होती हैं, चाहे वो कैरियर हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल डेवलपमेंट। हैबिट फॉर्मेशन। रिसर्च दिखाती है कि एक हैबिट को फुली फॉर्म करने में लगभग 66 डेज लगते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली छोटे एक्शंस लेते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स बन जाती है और आपकी हैबिट्स ही आपकी लाइफ को शेप करती है। इसलिए बेनिना वेस्ट कहती हैं कि डिज़ाइनिंग योर लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग हैबिट्स दैट अलाइन विद योर लॉन्ग टर्म विजन। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू डिज़ाइन योर लाइफ। बेनिना वेस्ट इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देती हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर सकते हैं। सेट क्लियर गोल्स। सबसे पहले आपको यह डिफाइन करना होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। अगर आपके पास क्लियर गोल्स नहीं होंगे तो आपके एक्शंस स्कैटर्ड रह जाएंगे। गोल्स को क्लियर और स्पेसिफिक बनाएं। क्रिएट अ रूटीन। हैबिट्स ही हमारी ज़िंदगी को डिज़ाइन करने का सबसे बड़ा टूल है। आपकी लाइफ के लिए एक रूटीन सेट करें जहां आप अपने गोल्स की दिशा में डेली कंसिस्टेंट एक्शंस लें, चाहे वो फिटनेस हो, कैरियर ग्रोथ हो या कोई एफेक्टिव प्रोजेक्ट। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन आपको सक्सेस और फोकस रखने में मदद करेगा। एम्ब्रेस फेलियर एज अ टीचर। डिज़ाइनिंग योर लाइफ का एक बड़ा हिस्सा फेलियर को एक्सेप्ट करना है। फेलियर आपको सीखने के मौके देते हैं। अगर आप हर सेटबैक को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से शेप कर सकते हैं। स्टे फ्लेक्सिबल। अपनी लाइफ डिज़ाइन करते वक्त फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। सिचुएशंस बदलती हैं और आपको अपने गोल्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक रिजिड प्लान ना बनाकर एडेप्टेबल माइंडसेट के साथ काम करें। स्टीव जॉब्स जर्नी। स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लें। जब उन्होंने एप्पल से निकलने के बाद पिक्सर को बनाया तब उन्होंने अपनी लाइफ को एक नए तरीके से डिज़ाइन किया। उन्होंने कभी भी फेलियर्स को अपनी जर्नी में रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एक्शंस लेकर अपनी विजन को फॉलो किया और इवेंचुअली एप्पल में वापस आकर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में बदल दिया। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि लाइफ को डिज़ाइन करना एक डायनेमिक प्रोसेस है। आप सेटबैक्स को एक स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं। अगर आपके पास क्लियर विजन और कंसिस्टेंट एक्शंस हों। मैरी कॉन्डो लाइफ डिज़ाइन। मैरी कॉन्डो जो दी लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप की ऑथर हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को मिनिमलिस्ट और इंटेंशनल तरीके से डिज़ाइन किया। उन्होंने डिक्लक्टिंग और ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल पर अपनी लाइफ को बेस किया और आज वो एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुकी हैं। मैरी कॉन्डो का जर्नी हमें सिखाता है कि जब आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन करते हैं
और उसे अपने वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन करते हैं तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पा सकते हैं। यू आर दी आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। बेनिना वेल्स का कोर मैसेज इस चैप्टर में यही है कि आप अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट हैं। अपनी डिसीजंस, हैबिट्स और माइंडसेट ही आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिफाइन करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ को बिना किसी प्लान के चलाते हैं तो आप रैंडम आउटकम्स फेस करेंगे, लेकिन अगर आप कंसियसली एक्शंस लेंगे तो आप अपनी लाइफ को इंटेंशनल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। चैप्टर 6 हमें यह सिखाता है कि लाइफ को डिज़ाइन करना एक कॉन्शियस प्रोसेस है और इसमें आपकी स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस का एक बड़ा रोल होता है। जब आप क्लियर गोल सेट करते हैं, आपकी हैबिट्स को अलाइन करते हैं और फेलियर से सीखते हैं, तभी आप अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट हैं और डिज़ाइनिंग योर लाइफ का मतलब है कि हर दिन उन एक्शंस को लेना जो आपकी लॉन्ग टर्म विजन की ओर ले जाएं। चैप्टर 7, द आर्ट ऑफ सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी यानी खुद पर काबू पाना, माइंड इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल में रखना। बेनिना वेस्ट इस चैप्टर में बताती हैं कि सेल्फ मास्टरी किसी डेस्टिनेशन की तरह नहीं बल्कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है या वह कला है जिसे सीखकर आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब है कि आप खुद को डिसिप्लिन, माइंडफुलनेस और रेसिलेंस की मदद से गाइड करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकें। वॉट इज़ सेल्फ मास्टरी? सेल्फ मास्टरी का मतलब है खुद को पहचानना, अपनी इमोशंस और रिएक्शंस को समझना और अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस को कॉन्शियस तरीके से लेना। इसमें आपकी इमोशंस का कंट्रोल, हैबिट्स का डेवलपमेंट और मेंटल रेसिलेंस शामिल है। बेनिना वेस्ट बताती हैं कि सेल्फ मास्टरी किसी एक्सटर्नल अचीवमेंट की तरह नहीं बल्कि यह आपकी इंटरनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। इमेजिन आप एक सिचुएशन में बहुत गुस्सा महसूस कर रहे हैं लेकिन आप इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं करते। इंस्टेड आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और कामली रिस्पॉन्ड करते हैं। यही होता है सेल्फ मास्टरी, आपकी इमोशंस को रिएक्शंस पर काबू करना। महात्मा गांधी सेल्फ मास्टरी। महात्मा गांधी एक परफेक्ट एग्जांपल हैं सेल्फ मास्टरी का। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रिंसिपल्स पर जी, चाहे कितना भी मुश्किल सिचुएशन आई हो। उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स, पीसफुल प्रोटेस्ट और अपने डिसिप्लिन की मदद से ब्रिटिश रूल का सामना किया। गांधी जी की ज़िंदगी हमें सिखाती है सेल्फ मास्टरी किसी बड़े एक्सटर्नल चेंज से ज़्यादा एक इंटरनल जर्नी है। उनकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आप प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन को मास्टर कर लेते हैं तो आप किसी भी एक्सटर्नल चैलेंज का सामना कर सकते हैं। वाई इज सेल्फ मास्टरी इम्पॉर्टेंट? सेल्फ मास्टरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपको एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता दिखाती है। जब आप खुद को मास्टर करते हैं तभी आप अपने डिज़ायर्स, डिस्ट्रक्शंस और फियर ऑफ कंट्रोल में रखकर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन की कमी के कारण कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं लगा पा रहे, तो सेल्फ मास्टरी ही वो टूल है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। सेल्फ मास्टरी का मतलब है आप अपने गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को सैक्रिफाइस कर सकें और खुद को डिसिप्लिन में रखें। सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ मास्टरी की सबसे बड़ी स्किल है। बेनिना वेस्ट बताती हैं कि जब आप अपने डेली हैबिट्स और रूटीन्स को कंट्रोल में रखते हैं तभी आप अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकते हैं। डिसिप्लिन आपको अपने गोल्स की ओर फोकस करने और छोटे छोटे कदम उठाने में मदद करता है जिससे आप लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन एक स्टूडेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। अगर उसके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो शायद डिस्ट्रक्शंस में फंस जाएगा और प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर उसने सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर लिया तो वो डेली स्टडी शेड्यूल मेंटेन करके एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकता है। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। रिसर्च बताती है कि सेल्फ डिसिप्लिन आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल निभाता है। स्टडीज़ के अनुसार हाई सेल्फ डिसिप्लिन वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से आप अपने हैबिट्स को शेप कर सकते हैं
और अपनी हैबिट्स ही आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू डेवलप सेल्फ मास्टरी। बेरिना वेस्ट इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देती हैं जो आपको सेल्फ मास्टरी की ओर ले जा सकते हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है अपनी थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना। जब आप माइंडफुल रहते हैं तो आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचते हैं और हर सिचुएशन में थॉटफुल तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यह सेल्फ मास्टरी का पहला स्टेप है। सेट क्लियर बाउंड्रीज। अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। यह बाउंड्रीज आपकी हैबिट्स, रिलेशनशिप्स और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हो सकती है। जब आप अपने समय और एनर्जी की रक्षा करते हैं तभी आप अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। डेवलप रेसिलेंस। रेसिलेंस यानी टफ सिचुएशंस को हैंडल करने की एबिलिटी। सेल्फ मास्टरी का मतलब है कि आप सेटबैक्स और फेलियर से घबराएं नहीं बल्कि उनसे सीखें और अपने पाथ पर आगे बढ़ें। कंटिन्यूस लर्निंग। सेल्फ मास्टरी की जर्नी में लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। अपने स्किल्स को डेवलप करते रहना और अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करते रहना इस जर्नी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। माइकल जॉर्डन सेल्फ मास्टरी। माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल लेजेंड हैं उनकी लाइफ सेल्फ मास्टरी की एक क्लियर एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी स्किल्स को मास्टर करने के लिए आवर्स ऑफ प्रैक्टिस और डेडिकेशन दी। जब वो फेलियर का सामना करते थे तो वो हार नहीं मानते थे बल्कि उन्हें अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने का मौका मानते थे। जॉर्डन की जर्नी हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट का रिजल्ट नहीं होता बल्कि डिसिप्लिन, रेसिलेंस और सेल्फ मास्टरी की देन होती है। विल स्मिथ फिलॉसफी ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। एक्टर विल स्मिथ एक बार कह चुके हैं कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट सेल्फ डिसिप्लिन है। उन्होंने कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन इज द सेंटर ऑफ ऑल मटेरियल सक्सेस। वो बिलीव करते हैं कि आप अपने डिजायर्स और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेल्फ मास्टरी इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बेरिना वेस्ट कहती हैं कि सेल्फ मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर दिन हर डिसीजन के साथ आप खुद को मास्टर करने की जर्नी पर होते हो। सेल्फ मास्टरी का मतलब होता है अपनी इमोशंस, डिजायर और इम्पल्सेस को पहचानना और फिर उन्हें अपने गोल्स के साथ अलाइन करना। सेल्फ मास्टरी से आप अपने हर कदम को इंटेंशनल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। चैप्टर 7 हमें यह सिखाता है कि सेल्फ मास्टरी की कला हमारी जिंदगी को इंटेंशनल और पर्पसफुल बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन, माइंडफुलनेस और रेसिलियंस की मदद से हम अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेल्फ मास्टरी एक लाइफफुल जर्नी है और जब आप इसे अपनाते हैं तब आप अपनी ज़िंदगी को क्वालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यह आपको वो स्ट्रेंथ और पावर देता है जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं। चैप्टर 8 द माउंटेन इज यू व्हाट यू मस्ट लीव बिहाइंड। इस चैप्टर में ब्रेना वेस्ट हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। अक्सर हम अपनी ग्रोथ के रास्ते में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हम अपने पास्ट हैबिट्स या रिलेशनशिप्स को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी के माउंटेन्स को कॉन्क्योर करना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों से छुटकारा पाना होगा जो आपको होल्ड बैक कर रही है। व्हाई लेटिंग गो इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ग्रोथ को ब्लॉक करती हैं। ये चीज़ें किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, लिमिटिंग बिलीफ या पुराने हैबिट्स की फॉर्म में हो सकती हैं। जब तक हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इमेजिन एक इंसान जो अपनी पास्ट फेलियर्स से इतना जुड़ा हुआ है कि वो कोई नया स्टेप लेने से डरता है। वो कॉन्स्टेंटली अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को अपने प्रेजेंट पर इन्फ्लुएंस करने देता है और यही उसे स्टक रखता है। लेटिंग गो का मतलब है उन चीज़ों का पहचानना और छोड़ना जो आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही हैं। लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। कई बार हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या फैमिली का कोई रिश्ता। ये फ्रेंडशिप हमें इमोशनली ड्रेन करती हैं
और हमारी सेल्फ वॉर्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें छोड़ने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले रह जाएंगे और फिर हमें गिल्ट होता है। ओफ्रा विनफ्रे ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ने का टफ डिसीजन लिया। यह डिसीजन पेनफुल था, लेकिन उन्होंने बताया कि यही लेटिंग गो उनकी पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा कदम था। ऑफ्रे की स्टोरी में हमें सिखाती है कि लेटिंग गो हमेशा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यह आपकी जिंदगी के लिए चैप्टर को शुरू करने का एक नया हिस्सा होता है। व्हाट शुड यू लीव बिहाइंड, बेनिना वेस्ट इस चैप्टर में बताती हैं कि हमें तीन मेजर चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत होती है। लिमिटिंग बिलीफ, हमारी बिलीफ हमारी रियलिटी को शेप करती है। अगर हम खुद को ये कहें कि मैं कभी सक्सेस नहीं हो सकता, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, या मुझे इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, तो ये ही हमारी रियलिटी बन सकती है। लिमिटिंग बिलीफ को छोड़ना और अपनी सेल्फ वॉर्थ को रीडिफाइन करना एक बड़ा कदम है। ओल्ड हैबिट्स आपकी लाइफ को डायरेक्ट करती है। अगर आपकी हैबिट्स आपको प्रोडक्टिव, हेल्दी और फोकस नहीं बना रही हैं, तो वो आपकी ग्रोथ में रुकावट डाल रही हैं। पुराने हैबिट्स को छोड़ना और नए बेटर हैबिट्स को अपनाना ज़रूरी है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, जैसे कि ओफ्रा की स्टोरी में बताया गया, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी एनर्जी और सेल्फ एस्टीम को ड्रेन करते हैं। जब आप ऐसे रिलेशनशिप्स को छोड़ते हैं, तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ को इनवाइट कर सकते हैं। लेटिंग गो ऑफ फेलियर, लेटिंग गो सिर्फ रिलेशनशिप्स या हैबिट्स एक सीमित नहीं है, या आपके फेलियर के बारे में भी होता है। कई बार आप या हम अपने पास फेलियर्स से इतना अटैच हो जाते हैं कि कोई नया कदम उठाने से डरते हैं, लेकिन फेलियर्स आपको डिफाइन नहीं करते, वो आपको कुछ सिखाने के लिए होते हैं। माइकल जॉर्डन का एग्जांपल लें, उन्होंने अपने कैरियर में बहुत से गेम लूज किए, लेकिन उन्होंने कभी अपने फेलियर्स और अपने फ्यूचर के सक्सेस का फैसला नहीं किया। जॉर्डन ने अपनी फेलियर्स को सीखने के मौके की तरह देखा, और यही माइंडसेट उन्हें सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर बना सका। इम्पैक्ट ऑफ लेटिंग गो ऑन मेंटल हेल्थ, स्टडीज दिखाती हैं कि लेटिंग गो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। रिसर्च बताती है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या नेगेटिव इमोशंस को छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा पीसफुल और कंटेंट महसूस करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होती जाती है, और वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा क्लैरिटी और पर्पस महसूस करते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू लेट गो, बेनिना वेस्ट इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देती हैं कि कैसे आप इफेक्टिवली अपनी लाइफ के उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं। आइडेंटिफाई व्हाट्स होल्डिंग यू बैक, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही हैं, या क्या वो बिलीफ हैं, रिलेशनशिप्स हैं, या पुराने हैबिट्स हैं। मेक अ कॉन्शियस डिसीजन, लेटिंग गो का मतलब यह नहीं है कि आप उन चीज़ों को इग्नोर कर दें, इसका मतलब है कि आप कॉन्शियसली उन्हें छोड़ने का डिसीजन लें, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। क्रिएट न्यू पैटर्न्स, जब आप पुराने हैबिट्स और बिलीफ को छोड़ते हैं, तो आपको नए पॉजिटिव पैटर्न्स बनाने होते हैं, या आपके न्यू हैबिट्स सपोर्टिव रिलेशनशिप्स और एम्पावरिंग बिलीव हो सकते हैं। फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स, लेटिंग गो का एक सबसे बड़ा हिस्सा है फॉरगिवनेस, खुद को और दूसरों को अपने पास्ट मिस्टेक्स के लिए माफ़ करें, ताकि आप रिसेंटमेंट और गिल्ट के पीछे छोड़ सकें। यह आपकी इमोशनल फ्रीडम के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टीव जॉब्स जर्नी ऑफ लेटिंग गो, स्टीव जॉब्स की लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आया था जब उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था। वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक था, लेकिन उन्होंने उस फेलियर को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनने दिया। इंस्टेड उन्होंने लेट गो किया और फिक्सो जैसे रिवॉल्यूशनरी कंपनी बनाई। आखिरकार उन्हें एप्पल में वापस बुलाया गया और उन्होंने उसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। जॉब्स की स्टोरी हमें सिखाती है कि लेटिंग गो सिर्फ फेलियर्स को छोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके ईगो और पास्ट अटैचमेंट को छोड़ने के बारे में ही है, ताकि आप नई पॉसिबिलिटीज़ को एम्ब्रेस कर सकें।
ग्रोथ रिक्वायर्स लेटिंग गो। बेरिना वेस्ट का कोर मैसेज इस चैप्टर में यह है कि ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन तभी संभव है जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए रेडी हों। आप तब तक अपनी ज़िंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत नहीं कर सकते जब तक आप पुराने चैप्टर्स को बंद नहीं करेंगे। लेटिंग गो टफ होता है, लेकिन यह आपकी इनर स्ट्रेंथ और इमोशनल फ्रीडम को अनलॉक करने का रास्ता है। चैप्टर 8 हमें यह सिखाता है कि लेटिंग गो हमारी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लिमिटिंग बिलीफ, ओल्ड हैबिट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इन सब को छोड़ना पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देती हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी के माउंटेन्स को कॉन्क्योर करना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपको पीछे खींच रही हैं। लेटिंग गो का मतलब है आप अपने आप को फ्री कर लें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर सकें और अपनी फुल पोटेंशियल पा सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी बुक समरी द माउंटेन इन यू की। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और आपकी अगर कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताएं।